हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पेंसिल को सही होल्ड कैसे करना है वो सिखाऊंगी। एक्चुअली क्लासेस में या मैं जब भी बच्चों को देखती हूँ तो देखती हूँ कि उन लोगों को पेंसिल होल्डिंग ही नहीं आती है। बहुत बड़े होने तक भी बच्चों को पेंसिल होल्डिंग नहीं आती है। अगर हम अपने टूल को अच्छे से पकड़ेंगे नहीं तो हमारी ड्राइंग या कुछ भी राइटिंग ठीक नहीं आएगी। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू होल्ड द पेंसिल। हम ये चीज़ मिस कर जाते हैं, ना स्कूल्स में सिखाई जाती है ना पेरेंट्स सिखा पाते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वे क्या है बच्चे बेचारे स्ट्रगल करते हैं, कहीं से भी पेंसिल पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं, राइटिंग करने की कोशिश करते रहते हैं। जब तक पेंसिल होल्डिंग ठीक नहीं आएगी हैंड राइटिंग, आप ही सोचिए, अगर आप एक चाकू को गलत तरीके से पकड़ेंगे तो क्या आप सब्जी को ठीक से काट पाएंगे? नहीं। इसी तरह पेंसिल का भी, अगर आपकी होल्डिंग बच्चों को सही नहीं सिखाई जाएगी, हम हैंड राइटिंग अच्छी करो, हैंड राइटिंग अच्छी करो हमेशा बच्चों को यही बोलते रहते हैं और उनको प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन कभी इस बात पे ध्यान नहीं देते कि बच्चे ने पेंसिल होल्ड कैसे की है। चाहे वो ड्राइंग हो चाहे हैंड राइटिंग हो, पेंसिल होल्डिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज़ छोटे बच्चों के साथ ही ये स्टार्ट करें, जिससे आगे चल के उनकी गलत प्रैक्टिस ना बन जाए गलत तरीके से पकड़ने की। और हम सोचते हैं गलत पकड़ा है तो क्या हुआ, हैंड राइटिंग तो सही आ रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्पीड पे, कहीं ना कहीं वो उसके हैंड राइटिंग में या ड्राइंग में रुकावट बनती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेंसिल लें और अच्छी पॉइंटेड शार्पिंग पेंसिल हो, एकदम शार्पिंग पेंसिल हो। अब मैं आप लोगों को वो टेक्निक सिखाऊंगी जिससे पेंसिल को एक्सेक्ट होल्ड कैसे किया जाता है। प्लीज़ प्लीज़ इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, बच्चे बेचारे स्ट्रगल करते हैं, अदरवाइज़ अपनी कोशिश करते हैं, 100% देते हैं कि हम हैंड राइटिंग अच्छी लिखे, नहीं आती है क्योंकि हम उनको सही तरीका ही नहीं सिखा रहे होते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप ऑफ बच्चों को जब हैंड राइटिंग सिखाई जाए तो उनकी होल्डिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। आप लोग को थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी कि होल्ड कैसे करना है वो सिखाने में, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद वो गलत पकड़ना स्टार्ट कर देंगे, आपको बार बार उनको स्टार्टिंग में टोकना पड़ेगा, लेकिन जल्दी ही आप देखेंगे डिफरेंस आ जाएगा। तो लेट स्टार्ट विद दिस। ये एक पेंसिल है, ऐसे पेंसिल को पकड़ा है हमने, ठीक है, जैसे किसी पिंच करते हैं किसी चीज़ को, ऐसे पेंसिल को पकड़ा है। इट्स वेरी सिंपल, घुमा दीजिए पेंसिल, यहाँ रेस्ट करनी चाहिए, इस एरिया में रेस्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हमने ये रखी है पेंसिल, ऐसे पेंसिल को पकड़ना है, ऐसे घुमाना है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली पेंसिल का रेस्ट आ जाएगा। अब जो हमारी ये वाली फिंगर है उसको हम नीचे रेस्ट देंगे पेंसिल को, ओके। ये देखिए, कुछ नहीं करना है, इट्स वेरी सिंपल, पेंसिल ये रही, बच्चे को ऐसे पकड़ाना है, इसको घुमा देना है और ये वाली जो लॉन्ग फिंगर है इसको रेस्ट देना है। ये देखिए, ऐसे लिखना सिखाना, और पेंसिल का डिस्टेंस बहुत पीछे से ना हो, बहुत आगे से ना हो, कई बच्चे यहाँ से पकड़ के लिखते हैं, कई यहाँ से, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के ही उनको सिखाना है, ठीक है। ये देखिए, टाइट होल्डिंग होनी चाहिए पेंसिल। और सबसे फर्स्ट चीज़ आप सिखानी क्या है, आप देखेंगे जब भी आप एक टॉडलर को या थोड़े बड़े बच्चे को पेंसिल होल्ड करने के लिए देंगे तो वो क्या करता है, या तो कुछ बच्चे ऐसे कुछ 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 करते जाएंगे या कुछ लाइंस बनाएंगे, कुछ लाइने लाइने बनाएंगे ऐसे, या कुछ स्क्रिबलिंग करेंगे गोल गोल और कुछ लाइंस में करेंगे। तो हमेशा स्टार्टिंग में बच्चे को पेंसिल दें और देखिए बच्चा क्या कर रहा है, उसको ये ऐसे स्क्रिबल करना पसंद है या वो लाइंस में स्क्रिबल कर रहा है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेक दिस, ओके, कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है कि ये वाला काम कर रहा है। तो जो बच्चे सर्कुलर मूवमेंट कर रहे होते हैं, कुछ सी बना रहे हैं या कुछ भी ऐसे ऐसे गोल गोल बना रहे हैं, उन बच्चों के लिए को हैंड राइटिंग सिखाने का तरीका अलग है। और जो बच्चे लाइंस बना रहे हैं, कुछ स्ट्रेट लाइंस या कुछ स्क्रिबल में उनकी लाइंस हैं, उनको सिखाने का तरीका अलग है, ओके। तो
देयर आर टू वेज. एक पहले आपको चेक करना है कि आपका बच्चा जब स्टार्ट कर रहा है तो कैसे कर रहा है, ये कर रहा है या ये कर रहा है. तो जो बच्चे सर्कुलर चीज़ें बनाते हैं उनको सर्कल से स्टार्ट करें या हाफ सी से स्टार्ट करें. ओके, ये वाला मूवमेंट स्टार्ट करें उनके साथ. और जो बच्चे लाइंस पहले बना रहे हैं वो बच्चे लाइन से स्टार्ट करें, आप उनके साथ लाइन से स्टार्ट करें. जो बच्चे सर्कुलर चीज़ें ज़्यादा बना रहे हैं उनके लिए कर्व चीज़ें बनाना इजी होगा. जो बच्चे स्क्रिबलिंग में लाइंस ज़्यादा बना रहे हैं वो लाइंस की चीज़ें जल्दी सीखेंगे. तो जब आप उनको पैटर्न सिखाएंगे तो इनको सर्कुलर पैटर्न्स पहले सिखाएं और इस तरीके के बच्चों को लाइन पैटर्न पहले सिखाएं. तो प्लीज़ 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 मेक श्योर कि आपका बच्चा पेंसिल होल्डिंग सही करे. मेरे पास हैंडराइटिंग के जब बच्चे आते हैं 6th 7th 8th के बच्चों को भी मैं देखती हूँ कि पेंसिल होल्डिंग ही सही नहीं है. और तब तक आते आते उनकी इतनी हैबिट हो जाती है कि हमें उस हैबिट को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो प्लीज़ मेक श्योर, मैं एक बार फाइनल फिर से बता रही हूँ कि पेंसिल को ऐसे पकड़ा उल्टा, सपोज़ ये रखी है जैसे हम पिंच करते हैं ऐसे पकड़ा, उसको घुमाया, यहाँ पे रेस्ट कराया और अपनी ये वाली फिंगर को यहाँ पे रेस्ट कराना है. ओके, ये दिस शुड बी द ग्रिप, ऐसी ग्रिप नहीं, बिल्कुल ऐसी ग्रिप. ओके, कई बच्चे ऐसे पकड़ते हैं, कई बच्चे मैंने देखा आप तो ऐसे ही पकड़ के लिख रहे होते हैं. आप खुद ट्राई करिए, ऐसे पकड़ के लिखना बहुत डिफिकल्ट है. और उनका मूवमेंट क्या होगा, अगर उनको एक सर्कल बनाना है तो उनका ये इससे छोटा वो चीज़ बनाने का ट्राई करेंगे तो मुश्किल होगी क्योंकि उनका इतना ही हाथ घूमेगा. वो जब कर्सिव लिखेंगे तो वो क्लोज कर्सिव, ऐसी कर्सिव लिखने में उनको तकलीफ होगी. जब होल्डिंग ऐसी होगी तो उनकी हैंडराइटिंग फास्ट होगी और ये वाली कर्सिव लिखना उनके लिए इजी होगा. सो रिमेम्बर दैट. सो लेट्स हैव हैप्पी हैंडराइटिंग. अभी मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस लेके आती रहूँगी आप लोगों के लिए जिससे हॉलीडेज में आप लोग अपनी बच्चों की हैंडराइटिंग पे ध्यान दे पाएँ, ड्राइंग्स पे ध्यान पाएँ. लव यू ऑल.